हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग पहले आप सभी को। और आज का मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और जस्ट मैं नहा धो के आज से जल्दी तैयार हो गया। तो अभी हमारा बन रहा है नाश्ता। और आज नाश्ते में बन रहा है क्या बन रहा है वो सॉरी कचौड़ियाँ बन रही हैं आज। मैंने बोला चाची को कि चाची वो आलू के पराठे बनाते हैं, मेरे को पराठे का बनाते हैं, कचौड़े ही बना दो। और राजा तुर्के चला गया है, उसका स्पोर्ट्स है। और एक सो रखे महाराज, ये तो फोन पे लगे रहते हैं। और चाची वहाँ से काम कर रही है, मतलब कचौड़े की तैयारी कर रही है, तो उनकी हेल्प करती हूँ जाके और बनाती हूँ। और आज पार्लर में कोई ब्राइडल है ना, तो उनका मेकअप है सुबह, तो दी बोलती थी कि जल्दी जाना सुबह, तो इसलिए मेरे को भी जल्दी जाना है। 9:30 बजे तक निकल जाऊँगी, तो उसके बाद देखते हैं। और अभी फिलहाल चलते हैं कचौड़े बनाने के लिए, तो बने रहिएगा। तो ये गूंद लिया है आटा, चाची बना रही है यहाँ पे। ये है मसाला उसका, आलू आलू धनिया वनिया डाल के। और यहाँ देखो एक बन रही है, बन रहा है फूला नहीं पता नहीं क्यों। और ये बनाते हैं आज, आज ये बनेगा खाने में। तो अभी खाना स्टार्ट हो चुका है, मेले बना रखे हैं कचौड़ियाँ विद कॉफ़ी। और ये लोग खा रहे हैं आलू के पराठे। और इस कुत्ते को तो मैंने आज बहुत मार रखा है घटिया इंसान है, अगर तो कहीं पर मिलना था उसको चप्पल जूते मारना वहीं पे, कहीं पे भी मिले चाहे। मैं हो चुकी हूँ तैयार और निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए, बस निकलते हैं आप जाते हैं पार्लर, देखते हैं टाइमिंग कब तक वापस आती हूँ। तो चलो आज तो सिर्फ ब्राइडल है अभी, तो देखते हैं। तो ये हैं वो ब्राइड जिनको तैयार किया करना था आज। तो ये देख सकते हैं दीदी ने इनको तैयार किया हुआ है आज, इनका ये अटक गया सॉरी। तो अभी दीदी इनका थोड़ा करियर वीडियो शूट वगैरह, तो उनको वीडियो शूट करना सिखा रही है। लेकिन दीदी ये दीदी ने कभी किया नहीं होगा, तो इनको उतना आइडिया नहीं आ रहा है, तो इनको अच्छे से सिखा रही है जी कैसे करते हैं। लेकिन मतलब कितनी सुंदर रही हैं देखो, इनका लहंगा तो मुझे इतना पसंद आ रहा है क्या ही बताऊँ आपको। तो अभी जा रही हैं दीदी, पहुँच चुकी हूँ घर पे, जस्ट पहुँच ही रहा हूँ। डायरी लेके गई थी बहुत दिन से, यूज़ किया नहीं, कुछ भी नहीं लिखा इसमें भी तो जो वहाँ पे जो काम कर रहा था उसको फेयर में लिखती हूँ। और चाची के साथ खाना बन रहा है, भाई आने वाला है, भाई बहन दानी पहुँच गया है, अभी आएगा वो। फिलहाल करती हूँ चेंज, तो धूप सेकती हूँ यार, बहुत ठंडा हो रहा है। और भी खाते हैं खाना, तो मिलता है थोड़ी देर में आपको। खाते हैं अब खाना, और चाची ने आज बना का पुलाव विद ग्रीन चटनी, दिख रहा है ग्रीन चटनी मस्त बना का भाई, मिर्ची डाल चटपटा। तो पहले खाते हैं खाना, तो धूप सेकती हूँ, मिलता है आगे। तो अभी मैं बैठ रखी हूँ पहले उसको धूप सेकने के लिए, बड़ी मुश्किल है, थोड़ा अच्छी धूप मिलने को नसीब हो रही है यार। 2-4 दिन से धूप देख सीखा ही नहीं, बाद अच्छा काफ़ी इतना छोटे बना दिया मैंने। इस मंच के माध्यम से आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए इस बात को कहता हूँ, कभी भी आप लोग एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। आप लोग देख रहे होंगे जो बच्चे लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, और बिना लक्ष्य के हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसने जिस चाहे बैडमिंटन में भाग लिया, चाहे अन्य खेलों में भाग लिया, मैं समझता हूँ उनका भी एक लक्ष्य होगा, इसमें हम खेलेंगे तो हम ब्लॉक स्तर पे खेलेंगे, ब्लॉक से जिले पे खेलेंगे, जिले से नेशनल खेलेंगे और नेशनल से आगे बढ़ेंगे। अभी ये लोग आ चुके हैं खेल के, आज इनका महाकुंभ था। और ये तीनों सर्टिफिकेट सब क्या किस किस में निकला तुम? कबड्डी में डिस्ट्रिक्ट जाना है, ब्लॉक लेवल कम्प्लीट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं तीन दोस्त ये। और आप पार्टी इनको पैसे मिले, 300-300 रुपए पार्टी है आज शाम को, जिसको खिलाएंगे। हाँ मनु जाना है, सही मार देती है। और भी एक दिन जब बैठे, जब मैं गई उल्टा उल्टा बोलती थी, इसकी मम्मी ने जूते अभी अभी पक्का रोगे हैं आप, पक्का रोगे हैं उसकी मम्मी ने जूते जूते मारे। अभी इन लोगों को पता ही नहीं था कि मैं इनकी हद विषय तेरी मत तेरी की तेरी वो दिखा रहे हैं आपको
ब्लॉग में जाएंगे। क्यों करो तुम पंगा ऐसे? किस रीजन का पंगा है ये? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अभी पक्का हो गया तो दोनों में से एक ना एक रोएगा जरूर। बेइज्जती कराएंगे अपनी। बस 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 देख रहे हो तुम। अभी इन सबका हो रहा है गेम का डिसाइड। एक ये नकली इंसान है, अरे को ऊपर वालों खाली सुबह से शाम तक गए पड़े हैं, घुटने का रखे काले सिर पर और कुछ भी जीत के आया, कुछ भी नहीं। इनका मैच ही कल है। आज बेचारा पहली बार थोड़ा बिस्कुट और रोटी खा के आ रहा है। दो रोटी दो बिस्कुट मिला, इस बात की इतनी खुशी लड़के को, इतनी खुशी कभी खाया नहीं था बेचारे ने। और ये देखना एक और एक गुस्सा हो रही थी मैडम लास्ट वाली। और कैसा लगा भी तुमको? बढ़िया, बिस्कुट तो बढ़िया था। पहली बार गुट्टे के थे, गुट्टे के गुट्टे के थे, गुट्टे के थे, गुट्टे के थे तो बढ़िया। और ये घुन के पीछे गया था, गंदे घुन के पीछे गया राज कहता घुन घुन घुन। ये देखो खींचा हुआ चिच्ची, कट करो इसे, ये थंबनेल बनना चाहिए थंबनेल। अब इसको देखना तो क्या करी रे बिल्ली को परेशान कर रही है और बिल्ली को दिखा रही है मुर्गियां, देख रहे हो मुर्गियां चल रही है ना वहाँ पे, ये दिखा रही है बिल्ली को ताकि बिल्ली को काटे। अगर बिल्ली ने खाया हम इसका नाम लगाएंगे ऐसे, ठीक है? रुको 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 रिया का। हेलो गाइस, नो बोल दे। हेलो, नो 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 बोल दे, नो बोल दे बिल्ली। सॉरी बोल, पहले सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोलना सिखाया था तुझे मैंने। मौसम देख रहे हो कुछ ऐसा हो रहा है आजकल, और यहाँ पे शादियों का सीजन चल गया है, शादियों का सीजन चल चुका है आजकल। अब बस शादियाँ शादियाँ जहाँ देखो बैंड बाजे के बाद। और ये देखो, ये है पबजी लवर, पबजी नहीं सॉरी फ्री फायर। जो मेरी सब्जी बन रही है वो बन रही है पत्ता गोभी की, पत्ता भी तो बहुत पसंद है लेकिन इसको खाना नहीं देता ना इससे कीड़े वीड़े होता है इसमें। इसमें आज भी जब मैं स्टार्टिंग करी थी उसमें कीड़ा नहीं पहले, लेकिन मैंने साफ साफ धुला के लेकिन कढ़ाई में क्या सबसे पसंद है उसका तेल का कढ़ाई में तेल सबको घर पर ही करता है तो उसी में ही बना रही हूँ ताकि दूसरा बर्तन कौन लगे तो मेरी कौन होगा। और आटा तो उसके बाद ही खाते हो कि जो कपड़े क्या चाहिए बच्चों के लिए मतलब जल्दी पास मेरे उसको भी खाते हैं दाल और वो पढ़ाई करी वो लेट के पढ़ाई मतलब बैठ के करें मैंने पूजा पाठ कुछ निकालिए कपड़े को भी दिखाते हो आपको पढ़ाई कपड़े। ये देखो बचत का विंचेटर इसका है, पोमा का है ना, मेरे उसके पजामा कभी कभी तो मेरे काम पे आ जाएगी। वैसे मेरी हाइट रजत की हाइट सेम है, हम दोनों की सेम चलती है। देखो और कपड़े निकल रहे हैं, ये 500 इसका तो मेरे को 100% आ जाना है 500 का। एक स्वेटर विंकटर वाला, ये ज़्यादा गर्म होगा रजत के वाले से, ये तो पक्का ही मैं पहनूंगा। दीपांशु बोल रहा है मेरी मेडल दिखाओ, ये देखो दीपांशु, ये तो वैसे अलग सा अपर है। देख रहा दुकान खोलते हैं यहाँ पे कपड़ों की, इसके पूजा पाठ करने वाले लगे गई है सब अंदर में बैठे हुए हैं। और ये देखो पड़ा मोबाइल के टॉर्च से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है मतलब है तो वो पड़ा शायद 15 में दिख भी रहा है मुझे तो दिख गया तो वो ना पढ़ा।